हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आपका आसरा के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर नीरज कुमार और हम आज आपके सामने एक नया टॉपिक यूनिट नंबर 2 देख रहे हैं। जैसा कि यहाँ सामने लिखा हुआ है, यूनिट नंबर 2 में आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो इतने सारे टॉपिक दिए गए हैं सभी को लेकर आए हैं और बारी बारी से इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसके अंदर का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसा कि आप इस चार्ज को देख लो अच्छे तरीके से, तो चार्ज आपने पहला यूनिट में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं और इसका फंक्शन क्या क्या है। इसकी सहायता से बहुत सारे डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, बहुत सारे चीज का अध्ययन किया है। लेकिन इस यूनिट नंबर 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए चार्ज का जानना बहुत जरूरी है। अगर आप चार्ज के बारे में नहीं जानोगे तो इसमें आप करंट के बारे में नहीं जानोगे। इसलिए हमने पहला टॉपिक उठा लिया इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हल्का सा बिल्कुल छोटा सा रिविजन कर लेना है यूनिट नंबर 1 की ओर। तो आपका है, इसको हम लिख दिए चार्ज, आवेश कहते हैं आप इसे, ठीक है ना। तो इसमें चार्ज को समझने के लिए चार्ज को हम दो रूप में बांट लेते हैं, ठीक है। एक चार्ज को मान लेते हैं रेस्ट के फॉर्म में और दूसरा मान लेते हैं मोशन के फॉर्म में। रेस्ट में जब आते हैं तो ये आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट नंबर 1 है, ठीक है। यूनिट नंबर 1 आपने पढ़ चुका है स्थिर वैद्युत की, पढ़े ना। और इसमें आपने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेश की विराम अवस्था, कौन सी अवस्था, विराम अवस्था, यानी आवेश कि विराम अवस्था एवं इनसे उत्पन्न प्रभावों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये कहला गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युत। तो इतना सारा चीज हम पढ़े थे यूनिट नंबर 1 में, लेकिन हम आ रहे हैं आज यूनिट नंबर 2 में और यूनिट नंबर 2 का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो रेस्ट वाला चीज तो यूनिट नंबर 1 में पढ़े थे और मोशन वाला चीज पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2। लेकिन मोशन को भी हम 2 रूप में बांट लेते हैं, ठीक है ना। एक हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी, एक हो गया वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नियत, और इसी में हम लोग पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बात आई समझ में, यानी चार्ज जब मोशन में होता है तब हम अध्ययन करेंगे इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में। यहां भी मोशन को हम दो रूप में बता दिए, एक हो गया कांस्टेंट मतलब नियत माने एक समान और वेरिएबल का मतलब वो चेंज करेगा यानी बदलेगा। इसके बारे में जानकारी आपको अगले चैप्टर में मिलेगा, लेकिन आज हम लोग फोकस करेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी यानी इसी का रूप है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब हम बढ़ते हैं तो देखिएगा इसमें आपका टॉपिक आएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा क्या है। 10वां क्लास का टॉपिक है। 10वां क्लास में जब आपका करंट शुरू होने वाला होगा तो आपका यही चीज आपके सारे टीचर लोग पढ़ाए होंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है ना। आइए इसको हल्का सा रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि आपको 12th क्लास में ये नहीं पूछेगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, लेकिन इससे जो फॉर्मूला आएगा इस पर आधारित न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, बहुत सारा चीज ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक करंट में आते हैं हम लोग, ठीक है ना।
व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आवेश के प्रवाह की दर। यानी कोई आपसे पूछे विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। एक और होगा आवेश की गति अवस्था को विद्युत धारा कहते हैं। इसे क्या डिनोट करते हैं? आई से आई इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन बाय टाइम। यानी आप इसको ऐसे भी लिख लो, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, क्यू का मतलब आवेश, टी का मतलब समय। यानी आई मैंने विद्युत धारा, तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। ठीक है, एक वे में और लिख सकते इसको, आई ए इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये ए भी लिखा मतलब क्या होता है? एवरेज। ठीक है ना, यानी औसत भार। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी समझ में आई कैसे लिखे हैं? देखिए एक फिगर बना के इसको समझ लेते हैं। ठीक ना, मान लेते हैं कि कोई चालक है और इसका एक अनुप्रस्थ काट है, और इस अनुप्रस्थ काट में डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू चार्ज बह रहा है, तो इस अनुप्रस्थ काट से कितनी धारा फ्लो होगी? तो क्लियर, अब न्यूमेरिकल आएगा यहां पर तब आपको और अच्छा से समझ में आएगा, लेकिन अभी फार्मूला पढ़ रहे हैं तो फार्मूला को अच्छे तरीके से देख लो। एक और होता है आई इंस्टेंटेनियस बराबर डी क्यू बटा डी टी। आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू बटा डी टी। अब देखिए इंस्टेंटेनियस इसको हम लोग कहते हैं तात्क्षणिक धारा। कौन सी धारा? तात्क्षणिक धारा, मतलब कि बहुत अल्प समय अंतराल में जब करंट निकालनी होगी तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू बटा डी टी। इसको हिंदी में हम नहीं कह सकते हैं तात्क्षणिक धारा। तो जाहिर सी बात है कि आप कितना फार्मूला समझ गए होंगे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जैसे यूनिट बार बार हम यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम ले रहे हैं, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट ही चार्ज के बारे में आपको सिखाया। ठीक है ना, यानी आई बराबर हम अधिकार सीखे कि क्यू बटा टी होता है, और पहले चैप्टर में हम लोग सीखे थे कि क्यू बराबर ही होता है, तो का हम एकरा में से क्यू हटा के एकर बदले में ही लगा सकते हैं? अब बटा में का हो गया टी, तो लीजिए वो धारा के वाव फार्मूला मिल गया, आई बराबर एनी बटा टी। कैसे फार्मूला देख लिए, आई बराबर चार्ज फ्लोन बाय टाइम, इसी को लिखे थे आई बराबर क्यू बटा टी। आई वो एवरेज करंट था आई ए बीच पर जो डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी मान के चलो तो एकरे कह रहे हैं। अगला एक और पढ़े आई बराबर में आई इंस्टेंटेनियस बराबर डी क्यू बटा डी टी, जिसको हम लोग कहें तात्क्षणिक धारा, और इसी को रूपांतरण अगर क्यू के मान पुट कर दिए तो आई बराबर आ गया एनी बटा टी। बात समझ में आई यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम है किसी को? दिक्कत नहीं, नहीं तो फिगर को बता दिया आपको। तो अगर किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से डेल्टा टी समय में डेल्टा टी चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इस अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित धारा का मान निकालना होगा, तो क्या लगाएंगे? आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है ना, इसके बाद हम पढ़ सकते हैं। तो पहला टॉपिक कवर कर लिया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जो यूनिट नंबर फर्स्ट का हिस्सा था। दूसरा आपका हो गया इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी जानकारी हम अभी कुछ देर पहले दिए है कि नहीं, तो इसमें और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रिक आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़ लिए, ठीक है ना, आई ए बी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी पढ़ लिए, ठीक है ना, आई इंस्टेंटेनियस इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना,
जिसको dQ/dt पढ़ लिए, है कि नहीं? यहां तक आप पढ़ लिए, एक बार पढ़ लिए Q इक्वल टू Ne/T, ठीक है ना? ये भी पढ़ लिया, ठीक है? आगे क्या क्या पढ़िएगा? यूनिट पढ़ लो, यानी इसका मात्रक क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग देखिए मात्रक के बारे में, तो Q यानी आवेश, आवेश के मात्रक को क्यों होता है कूलाम, आप बांटा है तो प्रति लगाओ, और T माने समय, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो कोई यदि कोई पूछेगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम प्रति सेकंड, और देखिए एकरे बदले में आता है एम्पियर, क्या आता है? एम्पियर, ठीक है ना? एम्पियर, ठीक है ना? जिसको हम शॉर्टकट में ए से डिनोट करते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो सिंबल दिया है, एक एम्पियर इज इक्वल टू, देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं, ये आपका न्यूमेरिकल बनाने में बहुत सहायता करेगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एक एम्पियर बराबर आपका हो गया 10^3 मिली एम्पियर। एक एम्पियर बराबर 10^6 माइक्रो एम्पियर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक एम्पियर इज इक्वल टू 10^9 नैनो एम्पियर। एक एम्पियर बराबर 1/10 एल एम्पियर। एक एम्पियर इज इक्वल टू 3×10^9 अस्टैट एम्पियर। अब ये आयर एम्पियर और स्टैट एम्पियर आ गया। अब देखिए ये है आपका ई एम यू, ई एम मतलब समझे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी हम इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, यानी विद्युत चुंबकीय मात्रक। ये आपका हो गया ई एस यू, यानी इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहले चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक ना, तो यहां पर आ गया विद्युत स्थैतिक मात्रक। तो ध्यान दीजिएगा, एक एम्पियर इज इक्वल टू 10^3 मिली एम्पियर, ठीक है ना? अगला आपका हो गया एक एम्पियर इज इक्वल टू 10^6 माइक्रो एम्पियर, एक एम्पियर इज इक्वल टू 10^9 एम्पियर, एक एम्पियर इज इक्वल टू 1/10 एब एम्पियर। और कहां एब एम्पियर, क्या यूनिट है, कौन सा यूनिट है? तो बोलेंगे यह ईएमयू है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। अगला आपका हो गया एक एम्पियर इज इक्वल टू 3×10^9 स्टैट एम्पियर, यह स्टैट एम्पियर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इलेक्ट्रिक करंट अब स्केलर है कि वेक्टर है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, पढ़ लिए इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक, पढ़ लिए इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला, पढ़ लिए इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या चीज हो गया, यूनिट कन्वर्जन भी देखिए, ईएसयू यूनिट देखिए, ईएमयू यूनिट देखिए। अब देखिए कि यदि आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक ना, कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो जवाब का देना है। जवाब देने से पहले तनी इसके बारे में समझ लेते हैं कि विद्युत धारा में डायरेक्शनो होता है, और मतलब दिशा, ठीक ना, और मैग्नेट्यूड भी होता है, मतलब परिमाण, ठीक ना।
यानी विद्युत धारा में दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है, लेकिन इसके बावजूद ये सदिश न कहेंगे, लेकिन इसको कौन सी राशि कहेंगे? अभिजित राशि कहेंगे। अब हो गया कार्य, जब एकरा में डायरेक्शनो है यानी दिशा भी है परिमाण भी है तो उसको सदिश न कहेंगे भी, लेकिन हम का पढ़ा रहे हैं कि विद्युत धारा कौन सी राशि है? अधिक राशि है। तो जानने वाला बात होगा ना, ये तो जान जाएंगे कि विद्युत धारा अधिक राशि है। अब कोई पूछ लिया कि का है कैसे, तो का जवाब देना है ये सुनिए कि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसीलिए हम इसको कौन सी राशि कहते हैं? अधिक राशि कहते हैं। बात समझ में आई? एक बार और समझा दे रहा हूं कि विद्युत धारा कौन सी राशि? अधिक राशि। अगर कोई पूछ लिया कैसे, तो कहेंगे कि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों है, लेकिन यह सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसीलिए हम इसे कौन सी राशि कह देंगे? अधिक राशि कह देंगे। बात क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, आगे बढ़े। जैसे मैं एक एग्जांपल ये देख लेते हैं, एकरा पर मान लिया जाए कि एक करंट ऐसे आई, एक करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर और 6 एम्पियर। अब पूछे बता दो कि कै एम्पियर के करंट फ्लो करेगा? लो जी, एकरा में विलोम डाल देते हैं। अगर सदिश के बात अगर हो जाता तो यहाँ कहानी बदल जाता। तुमको क्या करना है, जैसे 2 किलो गेहूँ, 5 किलो गेहूँ बराबर 2 किलो, 7 किलो डायरेक्ट जोड़ में दिया, कहूँ से आगे करें कि डायरेक्ट मारो 6 एम्पियर और 5 एम्पियर, कई एम्पियर, 11 एम्पियर, एंटर, इसे तो दिमाग में भी लगाना है। बात क्लियर हुआ? तो इस पर एंगल, एंगल पर डिपेंड कर रहा है, करेक्ट नहीं कर रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लो जी, का ले लेते हैं, तो ई हो गया आपका ये 8 एम्पियर, इधर से ले लेते हैं 5 एम्पियर, 90 डिग्री के कोण बना दिए, तो बताओ कोण देखेगा कि दोनों को डायरेक्ट जोड़ेगा? डायरेक्ट जोड़ दी हो, कोण के चक्कर में पड़ गया तो कोण आइए जाएगा। 8 5 कितना? 13 एम्पियर। बात समझ में आई? तो करंट कैसे जुड़ रहा है? हाँ, अगर यही तीर के चिन्ह पलट देता, सब आन रहा है ठीक है ना, तो फटाक से हाथ से ध्यान सब 13 6 5 11 हो गया, लेकिन अगर उल्टा जा रही है, भाग रही है, तब भाग रही है तो पकड़ोगे, हटा दो, 8 से 5 गया जिसमें आ जाएगा लिख देना। बात आगे समझ में? सिंपल, जैसे जोड़ वैसे हटाओ, क्लियर ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ पर? अब इस पर देखो न्यूमेरिकल कैसे बनता है। तो देखा कि अभी हम लोग करंट के बारे में पढ़े, अभी बिल्कुल इसका छोटा सा हल्का सा न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसको ध्यान पूर्वक देखिए। इस पर आधारित दो आपको न्यूमेरिकल देंगे बनाने के लिए, जिसके बाद में फिर और आगे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इस न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से देखेंगे। और न्यूमेरिकल को बताना समझना, जब तक ये बउआ तुम नहीं देखोगे समझोगे, और ये मन के अंदर नहीं आएगा कि हमको न्यूमेरिकल बनाना है, तो न्यूमेरिकल तुमसे नहीं बनेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ो और खोजो, देखो कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है। अगर निकालना है उसका फॉर्मूला होता है तो फटाक से लगा दो, और नहीं होता है तो बाद में दिमाग लगाना है, पहले इसको देख लेते हैं। एक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 10 कूलम का 30 कूलम का एक आवेश, तो आवेश में दे दिया जी, आवेश कितना दे दिया? 30 कूलम दे दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, तो आपका कई मिनट में 2.0 ठीक है ना, मिनट का दे ले है तो टाइम दे दिया, तो टाइम कितना दे दिया? 2.0 का, एक हम 2 मिनट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो लिखिए। अब बता दो आवेश के मात्रक गुलाम होता है कि समय का मात्रक क्या होता है? तो समय का मात्रक होता है सेकंड, ना कि मिनट होता है, इसलिए हम इसको पिचिस में चेंज करेंगे, मिनट में मिनट को सेकंड में, 1 सेकंड में 5 सेकंड आप सुना कर दो तो कई सेकंड आ गया, 120 सेकंड। अब आगे बढ़ो,
आवेश हो गया एक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से बिल्कुल आपका नेता है टू पॉइंट सेवन में प्रभावित होता यहाँ तक आ गए तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें यानी आई पर टू पचहत्तर मान दूसरा आई का मान था बिल्कुल अभी तक कहा जाता है जब पढ़ रहे लोग आई का क्या होता है क्यू बाई पी होता है क्यू कितना दे दिया थर्टी और टी कितना दे दिया वन हंड्रेड ट्वेंटी तक कितना बार में कट गया चार बार में कट गया इसको आप डिवाइड कर दोगे तो जीरो पॉइंट टू फाइव आएगा बढ़ा दे देगा ना एक बटा चार को भागा देगा तो जीरो पॉइंट टू फाइव आएगा कहा निकाला करंट धारा अब इस धारा का मान क्या होता है एम्पीयर क्या हो गया एंपियर कितना क्लियर है इसी पर आधारित हम आपको दो दो लेकर दे रहे हैं उसको बनाइएगा जैसा कि पिछले वाला दो न्यूमेरिकल आपका बहुत ही इजी था आसान था अभी तो दुनिया में बनता था ठीक है ना अब थोड़ा सा उसमें हल्का सा एक स्टेप आगे बढ़ा है तो जैसा कि आपका सवाल सामने देखें क्या बोला विद्युत धारा I समय t के साथ दिए गए समीकरण जैसे परिवर्तित होता है तो दो सेकेंड तथा छह सेकेंड के बीच आवेश की क्या करें गणना करें I इज इक्वल टू दे दिया थ्री टी स्क्वायर प्लस क्लियर आगे बढ़ते हैं तो इसको बनाएंगे कैसे सॉल्व कैसे करेंगे सॉल्यूशन कैसे होगा तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे I इज इक्वल टू डी क्यू बटा डी टी तात्क्षणिक धारा क्लियर है तो ध्यान दीजिएगा I बराबर डी क्यू बटा डी टी और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डी क्यू बराबर में क्या हो जाएगा आई सी सी कैसे आई के बटा में कितना देख रहा है जी और क्रॉस मल्टीपल करो तो एक में डी क्यू से डी क्यू बराबर में आई होती डी टी तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्यू बराबर आपका इंटीग्रेशन आई डी टी कैसे हुआ इंटीग्रेशन करेंगे डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू यहाँ कहने का मतलब कि डी हटाइए इंटीग्रेशन इधर क्या करिए लगाइए तो यहाँ पर क्या हो गया Q बराबर इंटीग्रेशन आई डी टी ये आपका एक नया फार्मूला मिला अगर ऐसा सवाल दोबारा दिखाई दे दे तो डायरेक्ट इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है चलिए तो Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी लगा देते हैं तो Q बराबर इंटीग्रेशन I का मान देखिए सामने दिया गया है 3t स्क्वायर प्लस 4 और ये इंटीग्रेशन क्या है dt यहां कर देते हैं हम ठीक ना और इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं तो टाइम क्या है 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच का रहा है नीचे 2 लगाइए और ऊपर 6 लगाइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है नहीं क्लियर है ना अब आगे हम बढ़ते हैं तो देखिएगा कि ये इंटीग्रेशन चाहे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं लेकिन एक सवाल है जो हम आपको डिटेल में बतला दे रहे हैं और अगला जो सवाल आएगा उसको आप डायरेक्ट बना लेना क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन 12th क्लास का चीज है जी आप लोग पढ़े जरूर होंगे यहाँ से तो गणित शुरू हो जाता है जैसा फिजिक्स था तो यही तक था अब देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं तो इंटीग्रेशन यहाँ पर 2 से लेकर 6 तक 3t स्क्वायर क्या हो जाएगा dt और प्लस इंटीग्रेशन 2 से 6 तक क्या होगा यहाँ तक क्या होगा देखिए dt क्लियर यहाँ तक हाँ तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से कॉन्स्टेंट देखिए यहाँ पर t निकाल के बाहर कर दो जी और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 होता है कहाँ से कहाँ तक 2 से 6 तक 4 dt का इंटीग्रेशन t होगा और कहां से कहां तक जाएंगे 2 से 6 तक अब एक बार t की जगह 6 पुट करो बाई 3 माइनस में 2 पुट कर दो बाई 3 प्लस में 4 t 6 फिर माइनस का चिन्ह कितना 2 क्लियर है यहां तक ठीक है ना ठीक है यहां तक जा सकते हैं हम
3636216 बटा 3 माइनस में 8 बटा 3 प्लस में 4 और यहां पर टाइप कर देते हैं 4। क्लियर है? तो यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देख लेते हैं सवाल को मिटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा जी, 3 216 में 4 क्लियर है, कितना बचेगा 208 बटा 3 प्लस में 16 कट गया, 208 और 16 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 224। और ये किस का मान निकाल सकते हैं, क्यू का मान, और 224 आवेश का मात्रक क्या होता है? यदि तुम्हारा क्या किया तो समझ में आया, ये क्लियर है। इस पर आधारित और न्यूमेरिकल आपको अगले क्लास में दिया जाएगा। अब फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? और विशेष इसके बाद का अभी देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन भी आएगा, मतलब इसके न्यूमेरिकल में बहुत सारा वैरायटी है, बारी बारी उस वैरायटी को अच्छे तरीके से समझेंगे। क्लियर है? और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है? सी यू नेक्स्ट।